थर्ड वन हमें ए डैश दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, देन दे आर आस्किंग अस टू फाइंड दीज टू वेरिफिकेशंस। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ए डैश है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कैसे निकलेगी आपकी, 3 माइनस 1 0 वुड बी द, 4 2 एंड 1 वुड बी द, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गई हमारी, ठीक है। बी तो हमें दिया हुआ है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ए प्लस बी के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज का साइन है, पहले तो ए प्लस बी ही कर लो। ए प्लस बी कर लेते हैं, 3 माइनस 1 2 हो गया, -1 प्लस 2 1 हो गया, 0 प्लस 1 इज 1, देन यू हैव इज 4 प्लस 1 विच इज 5, 2 प्लस 2 विच इज 4, 1 प्लस 3 विच इज 4। अब इसका ट्रांसपोज लेना, तो ट्रांसपोज कैसे लोगे इसका, 2 1 1 5 4 4, तो हमारा लेफ्ट साइड तो हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से हमें ए डैश और बी डैश को ऐड करना है। देखो ए डैश तो हमारे पास है ऑलरेडी, 3 माइनस 1 0 4 2 1, और दूसरा बी डैश हमारा क्या है यहाँ पे, -1 2 1 1 2 3, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 3 माइनस 1 विच इज 2, -1 प्लस 2 विच इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4, देन 1 प्लस 3 इज 4, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। और देखो दोनों सेम आ रहे हैं हमारे आंसर बिल्कुल, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट होता है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें पहले तो ए माइनस बी करना है, तो ऐसे ही कर लेंगे, 3 माइनस -1 कितना हो गया, 4, -1 -2 -3, 0 माइनस 1 -1, 4 माइनस 1 विच इज 3, देन 2 माइनस 2 विच इज 0, 1 माइनस 3 विच इज -2, तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 4 माइनस 3 -1 3 0 -2, तो ये हमारी वैल्यू आ गई ना यहाँ पे। इसी तरीके से हमें क्या करना है यहाँ पे, नाउ वी हैव टू डू इट फॉर द राइट हैंड साइड, जिसमें कि हमें ए डैश को बी डैश से माइनस करना है। 3 माइनस 1 0 4 2 1 इज द ए डैश, माइनस का साइन लगाया, बी डैश लिखा। बी डैश ऑलरेडी हमारे पास है सेकेंड फर्स्ट पार्ट में से, ठीक है। अब वी वुड बी सब्ट्रैक्टिंग दीज टू मैट्रिसेस, 3 माइनस -1 विच इज 4, 4 माइनस 1 विच इज 3, देन यू हैव इज -1 -2 विच इज -3, 2 माइनस 2 विच इज 0, 1 0 माइनस 1 विच इज -1, 1 माइनस 3 विच इज -2। देख लो अपना आंसर, दोनों वेरीफाई हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्विवेलेंट आ रही है बिल्कुल हमारी।